सत्र। विधानसभा में आज से होगी बजट पर चर्चा की शुरुआत। सत्ता और प्रतिपक्ष के सदस्य बजट पर रखेंगे अपने विचार। विधानसभा में आज की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। गृह, सार्वजनिक निर्माण, ग्रामीण विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और महत्वपूर्ण होगा उन प्रश्नों के जवाब। तो आज की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू होने वाली है, बेहद महत्वपूर्ण। आज का दिन 16वीं विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में बजट के बाद जब अगले दिन बजट पर चर्चा होगी और ऐसे में विपक्ष पूरे तरीके से तैयारी के साथ, और एक अहम दिन आज कई मायनों में खास माना जा रहा है। एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा विधानसभा का रुख करेंगे। पंकज जी आप वहीं पर मौजूद है, जाहिर सी बात है हलचल शुरू हो गई होगी क्योंकि सदन शुरू होने वाला है और आज का दिन कई मायनों में खास। बजट सत्र और ठीक बजट से पहले, वो बजट के एक दिन बाद इस तरीके का वाद विवाद होना सामान्य वाद विवाद है, लेकिन वो थोड़ा सा इस तरीके के विवाद में बदलता है कि ना ही जवाब मिल पाते हैं और ना ही सामान्य चर्चा हो पाती है। विस्तार से जरा अपडेट कीजिएगा। देखिए, कल राजस्थान का बजट विधानसभा में रख दिया गया था और आज उस बजट पर जो उसका पास कराने का जो चर्चा का दौर शुरू होगा। ये जो बजट होता है वो दो स्तर से चर्चा करा के पारित कराया जाता है। पहला बजट के ऊपर वाद विवाद होगा और उसके बाद जो अलग अलग विभाग जिन्हें लेखानुदान जिन्हें अनुदान मांगे कहते हैं उन डिमांड्स पर अलग अलग चर्चा कराई जाएगी। और अभी तक जो सूचना हमारे को मिल रही है उसमें ये सामने आया है कि जो पहला चरण है बजट का उस पर 16 तारीख को 16 जुलाई को सरकार के द्वारा जवाब दिया जाएगा और जो बजट पारित करने की प्रक्रिया है वो 29 जुलाई तक सरकार पूरी करने जा रही है। आज की जो कार्रवाई है वो प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी और उसके बाद कई जो प्रतिवेदन है उसको विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। उसके अलावा जो वित्त मंत्री दिया कुमारी हैं वो अपने GST और अपने वित्त विभाग से जुड़ी हुई 52 से ज़्यादा अधिसूचनाएं सदन की टेबल पर रखेंगी। इसके बाद जो कल कार्य सलाहकार समिति की बैठक हुई थी उसका प्रतिवेदन विधानसभा में लाया जाएगा। कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन मतलब आने वाले दिनों में विधानसभा में किस तरह का कामकाज लिया जाएगा और किस दिन किस डिमांड पर चर्चा की जाएगी उसे विधानसभा के सामने रखा जाएगा। अनुमति मिलने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ये तय करेंगे कि किस दल को कितना समय दिया जाए उनके सदस्यों के हिसाब से। उसके बाद जो बजट पारित करने की पहली प्रक्रिया है वो उसकी शुरुआत होगी, यानी बजट पर बहस की शुरुआत होगी। और क्योंकि बजट पे बहस होगी सत्ता और विपक्ष दोनों तरफ के सदस्य इस पर अपने विचार रखेंगे तो ये मान के चलिए जनहित के मुद्दे भी उठेंगे और हंगामा भी होने के पूरे आसार है। आज की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी और प्रश्नकाल में गृह विभाग जो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, उसके अलावा स्वास्थ्य और मेडिकल, इसके अलावा ग्रामीण विकास जैसी विभागों के सवाल लगाए जाएंगे। तो इसमें गृह विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग हो जाता है जिसको लेकर सवाल किए जाएंगे, क्योंकि जो भी सरकार में रहता है विपक्ष की कोशिश रहती है कि कानून व्यवस्था जैसे बड़े मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की जाए। तो प्रश्नकाल में भी आप हो सकता है कि जो विपक्षी दल हैं वो कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास करें। पंकज जी जरा इसे समझाने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि वैसे तो आपने बता दिया कि आज किस तरीके से सवाल किए जाएंगे, फिर उसके बाद सत्ता पक्ष जवाब देगी, वक्त जो है वो तय हो जाएगा, ये सारी व्यवस्था देखेंगे विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। लेकिन जो एक वर्ड आता है आउटपुट बजट, उसे पटल पर रखा जाएगा वित्त मंत्री द्वारा। इसके अलावा कई अधिसूचनाएं पटल पर रखी जाएंगी, वार्षिक प्रतिवेदन है उसे रखा जाएगा, चाहे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का जिक्र करें या फिर मंत्री का जिक्र करें, तो ये किस तरीके का प्रोसेस रहता है जरा इसे भी समझाइएगा। देखिए, जो बजट होता है वो लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है, उसको बजट को विधानसभा में रखकर सरकार इस बात की अनुमति लेती है कि हम आने वाला जो साल है उसमें इस मद पर इतना पैसा खर्च करेंगे करने जा रहे हैं, तो उसकी विधानसभा से सरकार को अनुमति लेनी होती है, उसको ही बजट पास करना कहते हैं। आउटकम और इनपुट जो बजट होता है वो पूर्व के सालों में जो बजट सरकार द्वारा पेश कर दिया गया है उसको एक बार फिर से रिवाइज रूप में, क्योंकि जो हम आकलन करते हैं उतना ही खर्च हो या उतना ही हमारी इनकम आए ये ऐसा तय नहीं होता है। एक एस्टिमेटेड जो बजट एस्टिमेटेड दिया जाता है कि हमें इतनी इनकम होने वाली है और हम उस इनकम में से इतना पैसा इस मद में खर्च करने वाले हैं। वो जब संशोधित अनुमान उसके आते हैं तो उसको लेकर भी सदन से अनुमति लेनी पड़ती है। तो ये जो आउटकम और इनपुट जो बजट रखा जाएगा ये पिछले सालों में जो बजट पास किए गए हैं
उसको उसकी जानकारी सदन में ली जाएगी और सदन से उसकी अनुमति ली जाएगी। जहां तक बात अधिसूचनाओं की है तो सरकार का जो वित्त विभाग है उसकी कई अधिसूचनाएं आ जाएगी, उसमें मुख्य रूप से जीएसटी है। ये अधिसूचनाएं वो होती है कि कुछ ऐसी जो बदलाव किए जाते हैं कानूनों में, ऐसी छूट दी जाती है जिन जो सत्र चालू नहीं होने के दौरान दी जाती है, तो वो अधिसूचनाओं के जरिए सदन को सूचित किया जाता है कि इस तरह की जो जान इस तरह के बदलाव और इस तरह की बात हमने करी है जो हमने हमको सरकार चलाते समय करनी पड़ी है। दूसरा जो प्रतिवेदन है, प्रतिवेदन भी रखे जाएंगे। प्रतिवेदन वो होता है जो किसी भी विभाग का साल भर का लेखा जोखा होता है कि उस विभाग ने पूरे साल भर में क्या किया, तो उसकी जानकारी भी सदन में संबंधित मंत्री को देनी होती है। आज एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो ऑडिट रिपोर्ट भी आएगी, पाठ्य पुस्तक मंडल की ऑडिट रिपोर्ट आएगी जो एजुकेशन विभाग से संबंधित है, ऑडिट रिपोर्ट भी सदन में रखना जरूरी होता है। जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो विधानसभा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जो कानून नियम बने हुए हैं उसके तहत सभी चीजों की जानकारी सदन में रखनी होती है और उस पर अनुमति लेनी होती है। ठीक है, तो ये टेक्निकली हो गया। पंकज जी जरा ये भी बताइए, क्योंकि आपने बताया कि आज जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें कई तरह के विभाग है, गृह विभाग खुद आ गया जैसे कि आपने विस्तार से समझाया, सार्वजनिक निर्माण, ग्रामीण विकास, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग से संबंधित प्रश्न होंगे। जाहिर सी बात है बेहद महत्वपूर्ण है, जनता भी ये सुनना चाहती है कि आखिर क्या कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन जो लंबित प्रश्न है, कोशिश इस बात को लेकर भी की गई, नवाचार किया गया कि पहले उसे भी कंप्लीट किया जाए जो कि पेंडिंग पड़े हैं, और ब्यूरोक्रेसी में भी एक अच्छा मैसेज आए। कितने वो अब रह गए हैं या फिर उसको कंप्लीट किया जाएगा या फिर ये पैरेलल साथ साथ चलेंगे, इसे भी समझाइएगा। इस बार विधानसभा अध्यक्ष जो वासुदेव जेनानी ने, उन्हें सवालों को पेंडेंसी बोल के बेहद सख्त रूप अपनाया और एक मोटे रूप से उन्होंने एक गाइडलाइन तय कर दी है कि अगर मान लीजिए एक सत्र खत्म होता है और दूसरा सत्र जब शुरू होता है उससे पहले 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 सत्र के सभी सवालों के जवाब, तारांकित सवालों के जवाब तो जो चालू सत्र होता है उसमें देना अनिवार्य होता है, लेकिन अतारांकित प्रश्न भी रह जाते हैं, कुछ और तरह के प्रश्न होते हैं, उन सबके जवाब दूसरा सत्र शुरू होने से पहले हर हाल में सरकार को देना होगा। इस तरह की व्यवस्था जो वासुदेव देनानी है स्पीकर है उन्होंने नवजात के तहत की है। उसके अलावा एक पर्ची सिस्टम की भी शुरुआत जो हो चुकी है विधानसभा में, हर दिन चार विधायकों की पर्ची खुलेगी लॉटरी माध्यम से। मान लीजिए 10-20 विधायक पर्ची के माध्यम से कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं तो उनकी लॉटरी निकाली जाती है बाकायदा, और चार विधायकों को उन समस्याओं पर बोलने का मौका दिया जाता है। ये नवाचार भी इसी सत्र से शुरू हुआ है और आज भी चार विधायकों की पर्ची निकाली जाएगी। पेंडेंसी की जहाँ तक बात है सवालों के, जो पिछली विधानसभा जो थी 16वीं विधानसभा का प्रथम सत्र जो था उससे संबंधित जितने भी सवाल पेंडेंसी थे वो मामूली रूप से अब पेंडेंसी बची है। और खास बात यह जो 15वीं विधानसभा थी जिसमें जो स्पीकर सीपी जोशी हुआ करते थे, उस सत्र के भी सवालों के जवाब वर्तमान स्पीकर ने सख्ती के साथ अफसरों और सरकार से मंगवाए हैं, और ये मान के चलिए कि 90% पेंडेंसी वो भी क्लियर हो चुकी है। तो ये एक सुखद तस्वीर है विधानसभा की, क्योंकि जो प्रश्न होता है वो विधायकों के लिए एक बड़ा हथियार होता है जो जनहित के में वो उपयोग में लेता है। अगर प्रश्नों के जवाब ही नहीं आएंगे तो विधायक अपने आप को ऐसा ही महसूस करता है, लेकिन अगर ये हथियार प्रॉपर रूप से चलता रहे यानी सवालों के जवाब आते रहेंगे तो जो विधायक है उनके लिए भी ठीक होता है और जनहित के लिए भी ये बहुत ठीक माना जाता है। पूनम, चलिए बिल्कुल सही कहा आपने, और विस्तार से इस जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।